नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। शहर पहुंचते ही बिग बॉस 12 फेम दीपक ठाकुर ने बताया मिर्च से थी सख्त एलर्जी, वो भी लगवाली, और उन्होंने बताया कि सिर्फ इस वजह से जीतना चाहते थे हर टास्क। दीपक ने कहा, बिग बॉस में दी बिहारीपन को पहचान। बाहर आते ही मिले उन्हें 3 ऑफर। फेमस टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 12 में तीसरे स्थान पर रहे आथर गांव के दीपक ठाकुर ने मुजफ्फरपुर पहुंचते ही शहर वासियों को इसके लिए शुक्रिया अदा किया। आज वो प्रोफेशनल लाइफ में जिस मुकाम पर हैं, उसका श्रेय वो गुरुवर संगीत मध्य विद्यालय के फाउंडर डॉक्टर संजय कुमार संजू को देते हैं। दीपक ने बिग बॉस में बिताए समय और वहाँ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। दीपक के मुताबिक उन्हें मिर्च से सख्त एलर्जी है, बावजूद इसके एक टास्क में उन्होंने वो भी लगवाई। दीपक का कहना है, मुझे पता था कि मैं वहाँ अकेला हूँ, मुझसे कोई भी गलती हुई तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए बिग बॉस में जो भी टास्क दिया जाता था उसे जीतने की कोशिश करता था। आपको बता दें कि मुंबई से लौटने के बाद दीपक मांडीपुर स्थित होटल सिमना पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि शो में उन्होंने बिहारीपन को एक पहचान दी। बिग बॉस के घर में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। एक टास्क में बाल हटवाने के दौरान उन्हें तनाव का सामना करना पड़ा था। वहीं सुल्तानी अखाड़ा में टास्क के दौरान कंधा डिसलोकेट हो गया था। दीपक ने बताया, तब उन्होंने जो महसूस किया वो उसे शब्दों में नहीं बता सकते। उन्होंने बताया कि सभी कंटेस्टेंट के साथ मेरे संबंध अच्छे रहे। मीडिया में बातचीत करते हुए दीपक ने कहा कि श्रीसंत भाई इतने प्रभावित थे कि शो खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे 3,90,000 के 3 जोड़ी जूते भेंट किए। वेल, आपको बता दें कि दीपक को 3 ऑफर भी मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो खत्म होने के 12 घंटे बाद ही दीपक को 3 फिल्मों में गाने का ऑफर मिल चुका है। इसमें से एक टीवी एक्टर करण बोहरा, जो कि खुद भी बिग बॉस 12 में कंटेस्टेंट रह चुकी है, उन्होंने भी बोहरा प्रोडक्शन की फिल्म में उन्हें लेने का प्लान किया है। तो वहीं दूसरी फिल्म श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी की है, जिसमें उन्हें गाने का ऑफर मिला है। इसके अलावा धवन प्रोडक्शन से भी ऑफर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।